गजाननं भूतगणाद सेवितं कपितजम्बू फलचारवत्सलम्। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। तुमात मेरी श्री राधिका और पिता श्री घनश्याम, और इन दोनों के चरणों में सो बारंबार प्रणाम। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम मोराध्वज प्रसंग लेके चल रहे हैं और इसमें साफ निभाया है प्रेम शंकर लवली, ऋषिदेव शास्त्री और सोनू यादव। पार्थ। हाँ प्रभु। आप मनहीन मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जब से अभिमन्यु का वध हुआ है उस समय से हम देखते हैं कि तुम्हारे चेहरा की चमक दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। हाँ प्रभु। लेकिन हे कुंती नंदन अर्जुन, शायद आपको हमें याद दिलवाना होगा कि पुत्र वियोग वैसे सबसे बड़ा है, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं अपने कर्तव्य पर पुत्रों को भी न्योछावर कर देते हैं। धर्म से भी बड़ा कर्म और कर्म से भी बड़ा धर्म, इन चीजों का विचार कीजिए, ये शोक मुद्रा को त्याग कीजिए। नहीं प्रभु, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने पुत्र को कोई नौछावर कर सकता है। ऐसा कौन सा पिता होगा। चलो आज हम तुम्हें आंखों से दिखाते हैं कि पुत्र को लोग हाथों से गमा देते हैं। आज कृष्ण भगवान और अर्जुन कैसे चले। अरे सतजा चन को चले करीना, अरे देखो तन कयवारी और अर्जुन संग लिवाई चले मोहन प्यारे बनवारी। और अर्जुन संग लिवाई चले मोहन प्यारे बनवारी। शेर बनाई है और मायापति मेरे श्री कृष्ण मोरा ध्वज ढिंग पहुंचे जाए। शेर बनाई है और मायापति मेरे श्री कृष्ण मोरा ध्वज ढिंग गए आई है। आज राजा मोर ध्वज के यहां पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन और धर्मराज को लेकर के जब चले, धर्मराज को शेर बनाया, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जो भी परीक्षा होगी वो धर्म के द्वारा होगी, इसलिए धर्मराज को शेर बनाया। राजा मोर ध्वज के सामने पहुंचे,
तो देखा तो सामने राजा मोर ध्वज न दिखाई दिए, देखा कि द्वारपाल खड़ा है और द्वारपाल से बोले, डोड़ीवान। हाँ प्रभु। डोड़ीवान भैया, ओ सुन डोड़ीवान, इधर दे ध्यान, भूपलो जाइए, दो साधु आए गए द्वार बचन कहे। चला जा भैया। प्रभु हमारे राजा का आदेश है, हमारे दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहिए प्रभु आप क्या चाहते हैं। बेटा छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती। राजा के अंदर 33 करोड़ देवताओं का आवास होता है, तुम एक छोटे से नौकर हो, अपनी सीमा के दायरे में रहो और जो एक संत कह रहा है उस वाणी पर ध्यान दो, अपने महाराज को जाके बुलाकर लाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं प्रभु, आपको जो चाहिए वो मैं पूरी कर दूंगा तुम्हारी आस। डोड़ीवान, मैं समझ गया, हाथ इनके संग गधा चरे और चरचर भयो मतंग, हाथ इनके संग गधा चरे और चरचर भयो मतंग, शक्कर बूरो खाए लो अब लेन चाहत है जंग। अरे लेन चाहत है जंग कहे के हम हाथी, रे हाथ इनके संग भूल गो अपनी जाति। इनोकर, अरे दियसरा पुभ सम हुई जावे, डोड़ीवान। हाँ प्रभु। दे असुरा पुभ सम हुई जावे, यदि साधु से जीव चलावे, नौकर यदि राजा के द्वार न जावे तो कर मली मली के पछतावे। हम वो संत नहीं, वो संत नहीं जिसे तू समझ रहा है, अत शीघ्र विलंबता की जरूरत नहीं है, अपने महाराज को बोला खिला। प्रभु नाराज न होइए, मैं जा रहा हूं। हाँ बच्चे सुंदर शब्द बुला के लाओ। पार्थ। हाँ प्रभु। अब देखना कि सत्य और धर्म क्या होता है। प्रभु मुझे तो विश्वास नहीं है। अन्नदाता कीजिए हो, अन्नदाता कीजिए हो। ओहो कहिए द्वारपाल कैसे आए। महाराज एक जंगली शेर साथ में है। अच्छा। और दो संत श्रोमणी दरवाजे पर खड़े हुए हैं, फाटक के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, और उनका ये आदेश है कि अति शीघ्र अपने राजा को बुला कर लाइए। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे दरवाजे पर संत महात्मा आए। महाराज संत महात्मा ही नहीं, जंगली जानवर भी साथ हैं, एक शेर है। अच्छा। हाँ महाराज। तो चलो। कहिए प्रभु। आइए धर्म स्वरूप मोरध्वज, क्या आपका ही नाम है राजन। हाँ प्रभु मैं आपका सेवक हूँ मोरध्वज। मोरध्वज, अरे तुम सो दानी भूप, धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी 100 कोसन भूप ओढ़े खसबोई, महाराज आस एक छोटी रहे लगाए, ये संत द्वार पर ले अभिलाषा पहुंचे हैं आ जाए, हमें कुछ भिक्षा की आवश्यकता पड़ गई। प्रभु आप अपने मुखारबंद से कहिए आपको क्या चाहिए, ये सेवक सामने तैयार है। महाराज हम तो एक फकीर भिखारी संत हैं, लेकिन इतना जरूर है हमारा सनातन धर्म हमें ये बताता है कि बिना त्रिवाचा किए हुए हम किसी से जवान नहीं ढालते, ये हमारे गुरु की आन है। त्रिवाचा। त्रिवाचा
अगर आप कर देंगे तो हम अपनी आशा को प्रकट कर देंगे। आज महाराज मुराध्वज सामने खड़े हैं और श्री कृष्ण भगवान राजा मुरुध्वज से बोले, अरे हाथ मिले गंगा जल राजा ओ तीर बाचा भर जाइयो ओ तीन बार तीर बाचा भर के जो मांगे सुख भइयो। गंगा जल राजा फिर तीर बाचा भर जाइयो और तीन बार तीर बाचा भर के जो मांगे सुख भइयो। महाराज मोरा दो सामने खड़े श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, राजन हाथ में गंगा जल ले लो और त्रिवाचा भरने के बाद जो हम मांगे जो हमारी इच्छा हो वो खिलाना। आज हाथ में गंगा जल लिया राजा मोराध्वज ने और तीन बार त्रिवाचा भरने के बाद कहने लगे, प्रभु आप जो मांगो वो सब पूरा कर दिया जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, अरे देते हो जो दान तो दानी अरे देते हो जो दान तो दानी और ले वो हाथ में आरो अरे देते हो जो दान तो दानी ले वो हाथ में आरो और अपने लाल के करो भगतिन एक सिंह को दारो। आज जैसे ही मोराध्वज ने इतने शब्द सुने घबराने लगे, हुआ क्या, छक्का छूटे भूप के सुन के शब्द कराम बोले, प्रभु आप क्या कह रहे हैं, प्रभु आप क्या मांग रहे हैं, शायद आप भूल गए। बोले नहीं राजा मोराध्वज, हमें तुम्हारे बेटे का मांस चाहिए और वो भी तीन भागों में। छक्का छूटे भूप के सुन के शब्द कराम बुरी मेरी तकदीर है कहा रचिए राम। बुरी मेरी तकदीर है कहा रचिए राम। मोराध्वज, हाँ प्रभु समझ गए, प्रभु आप जो मांग रहे हैं ये कैसे हो सकता है। त्रिवाचा भरने के बाद में मनुष्य वचनबद्ध होता है, राजन वचनबद्ध होता है। जब तुम त्रिवाचा भर चुके हो तो या तो धर्म से तुम्हें विमुख होना पड़ेगा या हमारे वचन को मानना पड़ेगा। प्रभु इसके अलावा और कुछ मांग लो, आप मेरी जान मांग लो, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन स्वामी मेरे तो एक ही बेटा है। राजन ऐसा नहीं हो सकता जो सोच रहे हो, संत के मुंह से जो निकल गया, हमारी जो अभिलाषा थी वो हमने प्रकट कर दी और तुमने त्रिवाचा भरा है। राजन अब एक ही उपाय है। क्या, के सतमादी धर्म कुहारो रे मुसे
कही देऊ बचन करारो रेश तो मोर धोलू। हाँ प्रभु, हम छोड़ेंगे द्वार तुम्हारो रे, सतवादी धर्म कुहारो रे, हम प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर धर्म पर चलना चाहते हो, धर्म की लीक को मानते हो, तरवाचा भरने के बाद, गंगा को साक्षी करने के बाद हमने जो मांगा है, या तो वो देने को तैयार हो जाओ या कह दो कि हम धर्म मानते नहीं, तो हम अपने शिष्य और अपने शेर को लेकर यहां से चले जाएं। ना ना प्रभु, इसमें थोड़ा एक कारण है। कौन सा कारण? मैं तो बच्चे का पिता हूं, लेकिन उसकी जब मां सुनेगी तो क्या विचार करेगी? धन्य है राजन, ये एक तुम्हारी नई चाल रही, तुम मना नहीं कर सकते। अब तुम अपनी पत्नी को बुलाकर और मना करवाओगे? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा। आप यहीं पर विश्राम करो और मैं जा रहा हूं, जाओ जाओ पत्नी के पास जा रहा हूं प्रभु। जाओ, जाने से पहले एक बात ध्यान में रखो। क्या? विशेष इंतजार करने की आदत नहीं है हमारी। प्रभु मैं बहुत जल्दी आऊंगा। हाँ जाओ, अत शीघ्र आओ। स्वामी, क्या कारण है जो आप इतने चिंतित और उदास हैं? क्या बताऊं मेरी प्रिय, अब मैं कुछ कहने लायक न हूं। क्यों, अगर मैं सोच रहा हूं, अगर कुछ कहूं तो पता नहीं तुम सुन पाई या न सुन पाई। ऐसी बातें मत कहो, आपका जो भी कष्ट है आप मुझे बताइए। नारी सत शामिल है जा, नारी सत शामिल है जा, बेटा गए हम बचन में हारी। नारी सत शामिल है जा, बेटा गए हम बचन में हारी। बेटे को हार गए? हाँ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाहते हैं प्रभु? पूर्ण बात कहो। संत दुई द्वारे पे आए, संगमी के हर को लाए। संत दुई द्वारे पे आए, संगमी के हर को लाए। संत और केहर को लेके? हाँ शेर को। लेकिन क्यों प्रिय, उन्होंने आकर के मुझे बचन में बेटा से दूर कर दिया है। क्या करूं, अब मुझे अपना बेटा काट करके सिर को देना पड़ेगा। संत दुई द्वारे पे आए, संगमी के हर को लाए। धर्म की लाज बचाई जा, बेटा गए हम बचन में हार। नारी सत शामिल है जा, प्यारी शामिल है जा, गए हम बचन में हारी।
क्या हो जो ऐसी बातें अपने मुख से निकाल रहे हो। अरे एक बार तो सोच लिया होता, और इसे सत्य कह रहे हो, इसे धर्म कह रहे हो, अपनी संतान को खोने के बाद ये कैसा धर्म है? मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? और इतना अधिकार आपको दिया किसने? जिस बेटे के आप पिता थे, मैं उसकी माँ थी। एक बार तो मुझे पूछ लिया होता, इतना बड़ा संकल्प अकेले ही ले लिया। अरे आप पिता नहीं, निर्दयी हैं, हत्यारे हो, हत्यारे। कहा प्रभु, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। पति तुम बादर फारे, पति तुम बादर फारे, ओ पूछी न मन की एक बात। पति तुम क्या है, वीर ना दिल में है आती, वचन सुन फटती है छाती, वीर ना दिल में है आती, वचन सुन फटती है छाती, बने कैसे हत्यारे, पूछी न मन की एक बात। एक बार तो मुझे पूछ लिया होता, और मैं इस अधर्म में, इस पाप में, इस असत्य में आपका सहयोग नहीं करूंगी। मुझे क्षमा करो, और मैं अपने बेटे को मरवाने के लिए राजी हो जाऊंगी। ये आपने कैसे सोचा? प्रिय, अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी, फिर तुम अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी हूँ सत्य के लिए, धर्म के लिए, अधर्म के लिए नहीं। तो पति का भी तो सत्य और धर्म तभी है जब उसकी पत्नी साथ है। मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इस पाप में, इस अधर्म में आपका सहयोग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जितने प्रिय आप हैं, उतने ही प्रिय मुझे अपना पुत्र भी है। जानता हूं प्रिय, तुम क्या जानती हो? तुम बेटे की माँ हो, मैं पिता नहीं हूं, लेकिन क्या करूं? कुछ भी करो प्रिय। इसीलिए प्रभु मैं क्षमा चाहती हूं, मैं अपने बेटे को आपके धर्म के कारण बलि नहीं चढ़ा सकती। आज मेरे भगत प्रेमी हो महाराज मूरध्वज बार बार रानी विचित्रा से कह रहे हैं, लेकिन वो माँ है। क्यों? कि माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती और कभी तैयार भी नहीं होगी, लेकिन क्या करे, पति का धर्म है, कर भी नहीं सकती और कह भी नहीं सकती, इसलिए वो शांत बैठी की बैठी रह गई। लेकिन महाराज मूरध्वज अपने धर्म पर तुले हुए हैं, उन्होंने सेविका को बुलाया और सेविका से कहा, बोले जाओ मेरे बेटे को बुला करके लाओ। आज सेविका जा रही है और बेटा रतन कुमार के पास पहुंची, और बेटा रतन कुमार से जाकर के कहा कि तुम्हारे माता पिता घर पर बुला रहे हैं, चलो। जब बेटा रतन कुमार घर पर आया तो देखा एक कोने में मूरध्वज की पत्नी फूट फूट के रो रही है। जैसे बेटा रतन कुमार ने देखा तो क्या हुआ? माँ, माँ। हाँ मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे कुंवर, इधर आ, अपनी माँ के पास आ। माँ आप इतनी उदास क्यों हो? अरे जरा कारण तो बतलाओ माँ। पुत्र मैं कैसे बताऊं? तू अपने माता पिता को क्षमा कर दे। नहीं माँ, कारण तो बताओ, क्या कारण है इसका? मेरे लाल। हाँ माँ। आज तेरे माता पिता से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा क्या हुआ माँ?
पुत्र, आज हमारे दरवाजे पे दो संत आए हैं, उनके साथ में एक सिंह भी है, और आज उन्होंने तेरे पिता से छल करके संकल्प ले लिया है कि तुझे तीन भागों में काटना है और एक भाग उनके सिंह को डालना है। माँ, आप इस बात के लिए रोई? आपको यह पता होना चाहिए कि मानव का शरीर किसी के काम नहीं आता सिवाय भगवान के भजन के बिना। और माँ, आपको यह पता होना चाहिए कि आज मैं बड़ा धन्य हो गया कि जो अपने पिता के धर्म को बचाने में काम आया हूँ। माँ, और आप इसके लिए रोई? नहीं माँ। पुत्र, आज ये कैसी बातें कर रहा है? आज लगता है कि मैं तेरे आगे बिल्कुल अज्ञानी हो गई हूँ, मूर्ख हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो माँ हूँ। पुत्र, माँ को धैर्य कैसे आए? माँ। हाँ पुत्र। रोबे मत मात माँ, रोबे मत मात, धीरे और धारो, रोबे मत मात, धीरे और धारो, रोबे मत मात। माँ, अरे एक डाल दस पक्षी बैठे सब ही करते गुजारो मेरी मैया। एक डाल दस पक्षी बैठे सब ही करते गुजारो मेरी मैया। और भोर भैरव किरण पसारी, और भोर भैरव किरण पसारी, सब ही करते किनारो, रोबे मत मात, तीरा और धारो, रोबे मत मात। माँ। पुत्र, ममता के आगे धैर्य के आगे वात्सल्य नहीं आता। मुझे कैसे धैर्य आएगा? मुझे तो तेरी रह रह कर याद आएगी। और कहा पुत्र, के लाडला कन्हैया खिलौना ललन, प्राण प्यारे दुलारे हमारे कुमार, के लाडला कन्हैया खिलौना ललन, प्राण प्यारे दुलारे हमारे कुंवर, के लाडला कन्हैया खिलौना ललन, प्राण प्यारे दुलारे हमारे कुंवर। हो तेरे सुन सुन बचन मेरी छाती फटे, हो तेरे सुन सुन बचन मेरी छाती फटे, वो कैसे बांधू तसल्ली ना होता सबर कैसे। लेकिन पुत्र, मुझे धैर्य नहीं आता। मैया बिकल हो के रोवे मती, इस दुनिया में इंसान अमर ही नहीं, जन्म लेता रहा सो मरता रहा, जन्म लेता रहा सो मरता रहा, करना इसका तो कोई फिक्र ही नहीं। मैं जानती हूँ पुत्र, लेकिन पुत्र, तुझ में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि तू मेरा पुत्र है और मैं माँ हूँ। मुझे धैर्य कैसे आए बेटा? माँ, ममता के आगे वात्सल्य के आगे धैर्य नहीं आता पुत्र। मैया मेरी तू यूं जानिए,
तेरी कुच्छा से जनबा कुबर ही नहीं। ले आरो मुई फारो बचाओ धर्म, ले आरो मुई फारो बचाओ धर्म, मेरे सिर पे तो कोई असर ही नहीं। धन्य है पुत्र, और धन्य कर दिया तूने मेरा जीवन, जो तू मेरा पुत्र बनकर आया। अहो भाग्य मेरे, लेकिन पुत्र तेरी माँ को धैर्य नहीं आता। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ अभागी माँ पर थोड़ी सी कृपा कर दे, मुझ पे कृपा कर दे। आज हे प्रभु दीन बंधु, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज मोरा ध्वज खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, अपने नगर में घूम रहे हैं, आरा मांग रहे हैं। बेटा रत्न कुमार को काटने के लिए सभी ने दरवाजे बंद कर लिए। बोले अहो अभागा, ये कैसा पिता है, सो अपने बेटा को काटने के लिए आरा मांग रहा है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मोरा ध्वज एक पेड़ के नीचे बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। मेरी बिगड़ी बना दो प्रभु जी, ओ करूं मैं नमन, करूं मैं नमन, ओ करूं मैं नमन, करूं मैं नमन। मेरी चले कोई बसुना, कुछ दिन करो ना है और कुछ दिन का हंसना। ओ विधि की लीला के आगे चले कोई बसुना, कुछ दिन करो ना है और कुछ दिन का हंसना। इसमें दोषी नहीं हूँ प्रभु जी, ओ करूँ मैं नमन, करूँ मैं नमन, करूँ मैं नमन, करूँ मैं नमन। मेरी प्रभु लाज को बचाओ, आके प्रभु जी मुझे राह तो दिखाओ। ओ अपने भगत की प्रभु लाज को बचाओ, आके प्रभु जी मुझे राह तो दिखाओ। आके धीर बना दो प्रभु जी, ओ करूं मैं नमन, करूं मैं नमन, करूं मैं नमन, करूं मैं नमन। मेरी बिगड़ी बना दो प्रभु जी, ओ करूं मैं नमन, करूं मैं नमन। हे प्रभु क्या करूं, तुम ही जन्म देने वाले हो और तुम ही अपने पास बुलाने वाले हो। आज इस भगत की रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे इतनी प्रार्थना की महाराज, तो जिस पेड़ के नीचे महाराज मोरा ध्वज बैठे थे, ऊपर से पेड़ का पत्ता गिरा और वो आरा बन गया।
वो पेड़ था नीम का, आज भी उस पर जो पत्ते होते हैं आर्य जैसी धारें होती हैं। आज महाराज मोराध्वज आर्य को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो संत का वेश बनाए हैं उन्हीं के पास पहुंचे। हाँ प्रभु, आइए मोराध्वज, बहुत विलंब किया। आरा लेकर के और तुम अकेले दिखाई दे रहे हो राजन। तो प्रभु, पति और पत्नी का संतान पर समान अधिकार होता है। तुमने दान किया है, तुम्हारी पत्नी दान कर रही है, आप दान से विमुख है। तुम दोनों मिलकर अपने इस कुमार के ऊपर आरा चलाओगे, तब वचनबद्ध माने जाओगे। प्रभु इतना बड़ा अनर्थ मत कराओ, मैं तो पिता हूं। अरे वो माँ है, वो कैसे अपने बेटा को काटेगी? तो ये कैसे मान लूं कि माँ मना करती हो फिर भी तुम अपनी बात को ऊंचा करने के लिए उस ममता के पुत्र को बलि चढ़ा रहे हो? बात तो सही है प्रभु, मैं जा रहा हूं। प्रिय। हाँ प्रभु। चलो बेटा को भी ले चलो और तुम भी चलो उन संतों के पास। क्या उन संतों ने मना कर दिया? चलो वहीं पर मेरे साथ जो चलो आप। चलिए मैं उन संतों से मैं निवेदन करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे पुत्र को क्षमा कर दें, जो कुछ भी चाहिए सर्वज्ञ उनके चरणों में समर्पित कर दूंगी, लेकिन मैं अपने पुत्र को वापस मांग लूंगी। चलो प्रिय। मुनिवर प्रणाम। देवी आशीर्वाद है। मुनिवर अगर आशीर्वाद देना ही है तो बस इतना दीजिए मुझे, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। पुत्री, तुम्हारे पतिदेव ने संकल्प में त्रिवाचा के वचनबद्ध होकर जो वचन दिया है, अगर उस वचन से मोराध्वज महाराज विमुख होते हैं तो धर्म शीर्ण होता है, और मांगे हुए वचन को अगर मैं छोड़ देता हूं तो मां सरस्वती जो दिव्या पर वास करती है उस मां का अपमान होता है। ये बात नहीं हो सकती जो तुम सोच रही हो। प्रभु मैं अपने राज्य के सर्व सुख आपके चरणों में समर्पित करती हूं, लेकिन मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। तुम केवल एक उत्तर दो, पति और पत्नी मिलकर पुत्र के ऊपर आरा चलाने के लिए तैयार हो या धर्म छोड़ने के लिए? क्या प्रभु, मैं और अपने पुत्र पर आरा? असंभव प्रभु, असंभव। तो फिर यह संभव है, कह दो कि हमने धर्म छोड़ दिया। ये भी नहीं कह सकते प्रभु, लेकिन एक माँ अपने पुत्र पर आरा कैसे चलाएगी? एक बार सोचिए। और आज आप तो बिल्कुल शांत हो, मूक रहकर प्रभु मूक मत रहो। क्या कहूं प्रिय, अब मैं कुछ कहने लायक नहीं हूं। लेकिन एक माँ अपने बेटे पर आरा कैसे चलाएगी आप बताइए? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने पुत्र को जन्म दिया था, पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। लाल को कैसे फारू, लाल को कैसे फारू, आरे की सैया पे नींदारी। लाल को कैसे फारू, स्वामी कैसे फारू, आरे की सैया पे नींदारी। Thank you.
हाँ। एक माँ अपने बेटे को कैसे मृत्यु देगी? लाल के जिसे दम खून बहाए, जानता हूँ प्रिय, जानता हूँ। मैंने अपनी बेटी को लेकर न जाने क्या क्या सपने सजोए थे, आज वो सारे स्वप्न असत्य हो गए। नाथ मेरो जे इकलौता लाल, ऐसे शब्द मत बोलो प्रिय। मेरी रानी, जानता हूं तुम रो रही हो, मां हूं, लेकिन क्या करूं, मैं पिता हूं, मैं रो नहीं सकता। अगर तुम रोओगी प्रिय तो ये संत महात्मा पता है क्या कह रहे हैं। राजन मोरध्वज। हाँ प्रभु। ये रोने धोने की कला तुम्हारी बहुत देर से चल रही है, इसे समाप्त कीजिए और संकल्प में जो बात कही है उसे पूरा करो। पत्नी मिलकर अपने पुत्र को आर्य से चीर दो। एक तो प्रभु आप इतना कष्ट देते हो, इतना दुख दे रहे हो और कह रहे हो कि रो मत। प्रभु हमें अब भी आप पर आस लगाए बैठे कि शायद आप अपना विचार बदल दे तो हमारा पुत्र हमें वापस मिल जाएगा। ये रोने का नाटक संतों को बर्दाश्त नहीं होता। एक भी बूंद अगर आंसू की आंख से निकल गई तो हमारा ये शेर फिर उस कटे हुए मांस को खाएगा नहीं, तुम्हारा पुत्र भी चला जाएगा और धर्म भी चला जाएगा। ना प्रभु ना। प्रिय रानी रो मत। मैं क्या करूं स्वामी, मैं विवश हूं। मेरी प्यारी श्यामल नारी हो नारी, रोबे मती धर्म बिगड़ जाएगो। मेरी प्यारी श्यामल नारी हो नारी, रोबे I'm
जो आंसू मेरी रानी डारे, जो आंसू मेरी रानी डारे। अरे जो आंसू मेरी रानी डारे, अरे जो आंसू मेरी रानी डारे, जो आंसू मेरी रानी डारे। मेरो साप धर्म डिग जाई, डिग जाई, रोबे मती धर्म बिगड़ जाई गो मेरी प्यारी सामलना। मेरा धर्म भी चला जाएगा और बेटा भी चला जाएगा, प्रिय मेरा सर्वस्व लुट जाएगा, ऐसा आप ही बताओ प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां बताऊं प्रिय, कौन सी जगह बताऊं जहां तुम चली जाओ और मैं भी चला जाऊं। प्रिय मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजन ये विलंब हमारे क्रोध की ज्वाला को बढ़ा रहा है, अतिशीघ्रता करो। प्रभु नाराज मत हो। नाराज नहीं, धैर्य की सीमाओं को तुम लांघ रहे हो। देखो तुम्हारी पत्नी अश्रुधारा बह रही है। नहीं प्रभु, मैंने मने कर दिया है, वो आंसू अपने पोंछ रही है, अब नहीं रोएगी। समझाओ और आरा उठाओ शीघ्र। आज मेरे भगवत प्रेमियों, एक तरफ रानी बैठी है और एक तरफ राजा बैठे हैं। सामने देखा तो रानी मूर्छित अवस्था में खड़ी है, राजा मोरध्वज जबरदस्ती आरे पर हाथ रखवा रहे हैं और सामने खड़े होकर के आरा चलाने को तैयार है। बेटा रतन कुमार आसन लगाए परमात्मा का ध्यान किए हुए बैठा है, धन्य है वो बेटा। क्या हुआ राजा रानी ने बेटे को, राजा रानी ने बेटे को आरे से भक्तों काटा है, न्यारी न्यारी करके फांकी, न्यारी न्यारी करके फांकी, जब दो भागों में बांटा है। महल पहुंचाई है, जाने को पी पराई हूं, जाने को पीर पराई रे, अब जाकी फटी दिवाई हो। एक महलों में धड़ बेटा का काट के पहुंचा दिया, एक शेर के आगे डाल दिया। रानी विचित्रा मूर्छित अवस्था में गिर पड़ी, संत वचन बोलने लगे। राजन। हाँ प्रभु। अब ये कटे हुए मांस को अपने हाथों से महारानी ले जाकर
पकाकर और थालियों में परोस के लाना होगा। प्रभु ये क्या कह रहे हो? जो तुम सुन रहे हो वही मैं कह रहा हूं। मां अपने बेटे के मांस को स्वयं पकाए? हाँ। आप संत हैं? आप संत हैं? तुमने हमें दान दिया है, तुम दानी हो और इस समय हम एक भिखारी हैं। ओह। और वचनबद्ध, अपने वचन पर अटूट रहो। हमने तो सुना था कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु? उपदेशक समय नहीं है मोरध्वज, जितना कहा जाए बस वही किया जाए। आज महाराज मोरध्वज एक धड़को लेकर के महलों में गए और अपनी रानी से जा करके कहा इस मांस को पकाओ। आज वही रानी रो रो करके मांस को पका रही है और जब पका हुआ मांस उन संतों के सामने आया तो वही संत कहने लगे, मुरध्वज। हाँ प्रभु। कितनी थालियां परोस के लाए हो? प्रभु दो। क्यों? आप दो हैं। हम दो हैं, एक थाली और परोस के लाओ। क्या प्रभु? एक थाली और परोसवाओ। ऐसा तो नहीं है प्रभु कि मेरे बेटे का मांस मेरी पत्नी ने पकाया, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे खाने के लिए कहें। प्रभु एक थाली किसके लिए? ऐसा नहीं है धर्मज्ञ, तीसरा कोई मेहमान आने वाला है। मेहमान? हाँ। वो कौन प्रभु? थाली को परोस के लाओ, देखते जाओ। जा रहा हूं प्रभु। बहुत सुंदर थालियां रखो। राजन शेर अपने भाग को खा चुका, तीन थालियां ये सामने हैं, एक पर ये हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, एक थाली हमारे पास है। अब तुम्हें खुद ये मालूम है कि तीसरा मेहमान आने वाला है, अपने ही द्वारा उस मेहमान को आवाज तुम्हें देनी होगी। कोई भी मेहमान बिना निमंत्रण के भोजन नहीं करता। मुझे आवाज देनी है प्रभु? हाँ, मैंने ये कहा था कि मेहमान आने वाला है, अतिथि नहीं। अगर अतिथि होता तो वो आकर बैठ जाता, उस मेहमान को तुम्हें बुलाना होगा। वो कौन है? वो धर्मज्ञ राजा मोरध्वज का पुत्र। क्या? राजन अपने जिस मुख से वचन दिया था उसी मुख से अपने पुत्र को आवाज दो। प्रभु मेरा पुत्र कहाँ है? आवाज दो। कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा ही नहीं, अब मैं आवाज दूं तो दूं किसे? एक बात ध्यान से सुनो, ये श्री हरि का विचार है, मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। ये एक साधु कह रहा है तुमसे कि राजन तीन आवाज दो, वो पुत्र अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो हमारी बात सत्य है, नहीं तो मिथ्या। प्रभु आवाज लगाऊं? तीन आवाज शीघ्र। बेटा रतन कुमार कहाँ है? प्रभु मेरा बेटा इसी दरवाजे से आता था। हिम्मत करो राजन, सामने दरवाजा सूना पड़ा है। प्रभु जब मैं भाई देता था मेरा बेटा इसी दरवाजे से दौड़ता हुआ मेरे पास आता था, अब मेरा बेटा कहाँ? एक आवाज और दो।
प्रभु आप क्या करा रहे हो ये? मोर ध्वज आवाज लगाओ बेटा रतन कुमार, एक आवाज और लगाओ। प्रभु अब कहाँ है बेटा? प्रभु मैं पिता हूं, बार बार मैं आवाज लगाऊंगा, मुझे पूछो प्रभु, मेरे हृदय में अशांति ही फैल रही है प्रभु, ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण भी चले जाए। अरे मैं धर्मी हूं कि अधर्मी हूं जिसने अपने बेटा को स्वयं? राजन धैर्य को धारण करो और जो कहा जा रहा है गौर करो, नाव धर्म की तुम्हारी किनारे पर है, आवाज बेटा को लगाओ, अत शीघ्र लगाओ। बेटा रतन कुमार। अरे आया पिताजी आया, थोड़ा विलंब हो गया पिताजी। बेटा 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 रतन कुमार आ आ। प्रिये प्रिये। हाँ प्रभु। देखो मेरा बेटा आ गया, चलो दौड़ करके चलो। क्या कह रहे हो प्रभु आप? हाँ मेरा लाल, मेरा पुत्र। हाँ वापस आ गया है। कहाँ है? उस मेरे आंख के तारे को एक बार दिखाओ। देखो देखो चलो दौड़ के, ये संत महात्माओं के गोद में बैठा है बेटा। पुत्र पुत्र रतन कुमार, मेरा पुत्र मेरा लाल। हे प्रभु ये कैसी लीला है आपकी मुनिवर, ये सब कुछ क्या है? धर्मार्थी राजा मूरध्वज। हाँ प्रभु। जिस पुत्र की वजह से तुम और तुम्हारी महारानी शोकाकुल थे, वो पुत्र आपका सामने है। लेकिन हे राजन। प्रभु आप? हाँ मैं कृष्ण और ये हमारे शिष्य अर्जुन। तो ये प्रभु क्या था? राजन संसार एक मोहरूपी जाल है और ये गांडीवधारी अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के वियोग में अन्न और पानी त्यागने पर तैयारी कर रहे थे, ये दुनिया को छोड़ जाना चाह रहे थे। इन्हें समझाने के लिए और समाज को चेतनता पैदा करने के लिए ये आपकी परीक्षा थी। हम तुमसे अत प्रसन्न हैं राजन, वरदान मांगो। मैं प्रभु क्या वरदान मांगू, अब मुझे तो सर्वस्व मिल गया, मेरा बेटा भी मिल गया और त्रिलोकी नाथ सामने खड़े हैं। प्रभु बस आपके दर्शन हो गए और मैं धन्य हो गया प्रभु। अरे लीला तेरी अजब निराली है रे, सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी ओ अजब निराली है रे, सो लीला प्रभु जी अजब निराली है, सो लीला तेरी अजब निराली है। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय।